साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में। इमला लिखना सीखें के आज के इस वीडियो में हम छोटा उ व बड़ा उ की मात्रा वाले शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे, यानी कि छोटा उ और बड़ा उ वाले शब्दों का इमला लिखेंगे। इमला जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में श्रुत लेख कहते हैं, यानी सुनकर लिखना। ठीक है, हर व्यक्ति को इमला लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमला जब तक हम नहीं लिख पाएंगे ठीक से, तब तक हम अपने विचारों को नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इमला लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना पेन और कॉपी लेकर आ जाइए और हमारे साथ साथ में लिखिए, हम बोलेंगे आप लिखते रहिए। और अगर अभी तक आपने पेन और कॉपी नहीं लिया है तो वीडियो को रोक लीजिए और पेन और कॉपी ले आइए। तो आपने पेन और कॉपी ले लिया होगा, तो हम बोलेंगे और आप लिखेंगे, उसके बाद में हम भी लिखेंगे, ताकि आप अपना लिखा हुआ मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर। सूरज निकल आया, सूरज निकल आया, सूरज निकल आया। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। लीजिए, मिला लीजिए, हम लिख रहे हैं अब। सूरज निकल आया, विराम लगा दीजिए। अगला वाक्य है, राजू चबूतरा पर झाड़ू लगा, राजू चबूतरा पर झाड़ू लगा। मिला लीजिए। अगला राजू चबूतरा पर झाड़ू, ठीक है, डा में यहाँ पे बिंदु लगाई जाती है, ठीक है, लगा, विराम लगा दीजिए। अगला वाक है, बुलबुल का गाना सुन, बुलबुल का गाना सुन। मिला लीजिए। बुल 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 का गाना सुन, विराम लगा दीजिए। आप लिखिए, सुमन फूल चुन, सुमन फूल चुन। मिला लीजिए। सुमन फूल चुन, विराम लिख लिया। आप लिखिए, आप गुलाब का फूल ला, गुलाब का फूल ला, गुलाब का फूल
ला मिला लीजिए, हम लिख रहे हैं गुलाब का फूल ला, बेटा हम लगा दीजिए। अब लिखिए मुकुल धूल मत उड़ा, मुकुल धूल मत उड़ा, मिला लीजिए। मुकुल धूल मत उड़ा, विराम लगा दीजिए। फिर लिखिए मुरली बजा, मुरली बजा, मुरली बजा, मुरली बजा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने बिल्कुल ठीक लिखा होगा, पहली बार में ही ठीक लिखा होगा। अगर आपने पहली बार में ठीक नहीं लिखा है तो दोबारा इस वीडियो को चलाइए और दोबारा से लिखिए, और जब तक लिखिए जब तक कि ठीक से ना लिख पाएँ आप। उम्मीद करते हैं पहली बार में ही आपने ठीक लिखा होगा, और हमारा आपसे निवेदन है कि आप हर वीडियो को कंप्लीट करते हुए चलें। जब तक आप एक वीडियो कंप्लीट ना कर लें तब तक आप उसके बाद वाला वीडियो ना देखें। ऐसा नहीं है कि आप लगातार वीडियो देखते जाएं और पीछा पीछे का भूलते जाएं, तो ऐसे आपको बहुत देर लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा हिंदी सीखने में। यदि आप हर वीडियो को कंप्लीट करते हुए चलते हैं तो आप बहुत ही जल्दी हिंदी लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने इस चैनल पर बहुत ही सरल ढंग से और बहुत ही व्यवहारिक ढंग से आपको हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाया है, और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स आप हिंदी में करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कितना हिंदी सीखा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।